नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का मिशन गणित का दिनांक 15 अक्टूबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी के में अनुक्रम। समांतर श्रेणी आप जानते हैं, जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उसमें होता क्या है, ये कोई सीरीज या कोई क्रम, जैसे दो है, दो में तीन जोड़ा गया तो पाँच, फिर पाँच में तीन जोड़ा तो आठ, आठ में तीन जोड़ा तो ग्यारह, इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। तो इसमें देखिए, इसमें प्लस तीन है, इसमें भी प्लस तीन है, इसमें भी प्लस तीन है, तो इस तरह से सब में प्लस तीन जुड़ता जाता है, तो ये वाला क्रम कहलाता है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको पहले वाले पद को कहते हैं ए वन या ए कहते हैं, और ये जो तीन है ये हो गया सार्व अंतर, ये इसको प्रथम पद या फर्स्ट टर्म कहते हैं, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, और ये सार्व अंतर जो सभी में एक समान अंतर है, जो जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये तीन है इसमें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए आप प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और अगले तीन पद भी ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पहला पद तो ये हो गया ए वन, यानी प्रथम पद, इसको हम लिख सकते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म जिसको ए वन कहते हैं, ये बराबर है माइनस सात, और द्वितीय पद यानी सार्व अंतर जिसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, सी डी बराबर में ये जो होगा दूसरे में से माइनस फोर, मतलब ए टू में से ए वन घटाएंगे माइनस और माइनस सेवन, तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस सेवन, मतलब इससे इधर की तरफ घटा के देखेंगे तो ये हो जाएगा तीन। अब देखिए, इसमें भी आपको यहाँ पे भी, यहाँ अगले में भी अंतर एक समान ही होगा, क्योंकि तीन तीन का ये अंतर है। तो अब कह रहा है जो कि अगला पद लिखने के लिए, तो सब में हम ये तीन जोड़ते जाएंगे, तो इसमें अगला पद तीन जोड़ दिए तो ये हो जाएगा, अगला पद हो जाएगा यानी अब पांचवा पद दो में तीन जोड़े तो पाँच, पाँच में तीन जोड़े तो छठा पद क्या हो जाएगा आठ, आठ में तीन जोड़े तो ग्यारह, इस तरह से इसके तीनों पद आगे पाँच आठ और ग्यारह। इसी तरह अब दूसरा सवाल देखते, ये आपका एपी दिया हुआ है समांतर से, तो इसमें ये फर्स्ट टर्म यानी ए बराबर में हो गया वन बाई फोर, और ए वन भी लिख सकते, ए वन बराबर ये, ए टू बराबर क्या हो गया, ए टू बराबर में नाइन बाई ट्वेंटी है दूसरा पद, तो D बराबर फॉर्मूला होगा A2 में से A1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 बाई ट्वेंटी माइनस वन बाई फोर। अब इसको 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तभी ये 20 होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 बाई ट्वेंटी, जो कट करके हो गया वन बाई फोर बाई ट्वेंटी, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई फाइव, तो ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बराबर में वन बाई फाइव। अब अगला पद निकालना है तो देखिए एक तरीका, आप इसमें जोड़ते चले, नहीं तो यह देखिए यहाँ से देखें, नौ में चार जोड़े तेरह, तेरह में चार जोड़े सत्रह, सत्रह में चार जोड़ेंगे इक्कीस, इक्कीस बट्टे बीस होगा, और फिर इक्कीस में चार जोड़ेंगे पच्चीस बट्टे बीस होगा, फिर
25 में 4 जोड़ेंगे तो 29/20 होगा। इस तरह से भी बनाया जा सकता है, नहीं तो आप इसमें सब में 1/5 ऐड करें। देखिए 17/20 में ऐड करेंगे 1/5, तो देखिए ये हो जाएगा, इसको 20 बनाना होगा। तो 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यह हो जाएगा 17+4/20, तो इस तरह से 21/20 हो गया ये अगला पद। और फिर 21/20 में 4/20 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा, या 1/5 को इस तरह से हम लिखेंगे 4/20 के रूप में, तो ये हो जाएगा 25/20। फिर अगला हो जाएगा, इसमें और डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25/20+4/20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 29/20। ये 1/5 का स्मॉलेस्ट मतलब तुल्य भिन्न है, तो इस तरह से ये आपका आ गया। अब यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है, जो कि इसके फर्स्ट टर्म देखिए a1 बराबर में तो ये है। अब इसको एक बार सही से सजा ले तो आपको फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इधर, ऐसे बनाने में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो इसको आप 3×4 लिख सकते हैं, या 2×2 लिखा जा सकता है। इसी तरह 27 को लिखा जा सकता है 3×3×3, 48 को लिखा जा सकता है 3×3 हो गया, 16×3 = 48 होता है, तो 3 और 16 को लिख सकते हैं 2×2×2×2। अब इसको यदि हम देखें तो ये हो जाएगा √3, 1√3, और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा तो 3, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3√3 हो जाएगा। इस तरह से इसमें से ये 2×2 = 4 बाहर आ जाएगा तो 4√3 हो जाएगा। तो इसका a1 तो हो गया आपका √3, और d जो है d बराबर में a2 - a1 होता है, तो a2 क्या है 2√3 में से √3 गया, तो ये हो जाएगा 2√3 में से 1√3 कुछ भी नहीं है इसके पीछे, तो 1√3 है, तो 2√3 में से यानी 2 - 1√3 कॉमन आ गया, तो यह हो जाएगा 1√3, जिसको हम √3 भी लिखते हैं, तो यह हो गया कॉमन डिफरेंस। अब इसमें 4√3 है, तो अगला हो जाएगा, देखिए 1√3, 2√3, 3√3, 4√3, तो 5√3 अगला हो जाएगा, 6√3 अगला हो जाएगा, 7√3 अगला हो जाएगा। अब इसको हम ब्रैकेट के रूप में अंदर ही लिखना चाहें तो या तो ये लिखें, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 का 25 और 3 75 अंडर रूट 75, और ये हो जाएगा 36 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 108। अब √3 है और 7√3, तो 749 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 147। ये भी ब्रैकेट के रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है, नहीं तो ऐसे आप आसानी से ये लिख सकते 7√3। ये था आज का वर्कशीट, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।